खेती किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम विचार विमर्श। हर हफ्ते के शनिवार के दिन हमें बेसब्री से इंतजार रहता है रात के 8 बजने का, क्योंकि ये वक्त होता है आपसे मुलाकात करने का और आपके साथ मिल बैठ कर विचार विमर्श करने का। जी हाँ दोस्तों, विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में न केवल हम कृषि के क्षेत्र से कुछ ऐसे पहलुओं लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, बल्कि तमाम ऐसे विषय होते हैं जिससे न केवल कृषि को बेहतर किया सकता है बल्कि कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोगों की जिंदगी को बेहतर करने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करते हैं। न केवल हम किसानों की आय को बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, बल्कि तमाम ऐसे बातें इसमें कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं जिसका फायदा उठाकर अपने निजी जीवन में आर्थिक और सामाजिक सुधार को भी अपना सकते हैं। तो बिना देर किए हुए इस दास्तां को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे आज के एक खास विषय के बारे में। आज हम बात करेंगे अपने देश की आधी आबादी यानी हमारी महिलाओं की, हमारी माताओं की, हमारी बहनों की। भारत सरकार का एक सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने। इस आत्मनिर्भर सपने को पूरा करने के लिए हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आज भारत आत्मनिर्भर जो भारत बनने का संकल्प ले चुका है, इसमें हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे योगदान दिए हैं जिसका बखान करना नामुमकिन है और कागज़ों पर लिखना तो बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन अब हम बात करेंगे आगे के दृष्टिकोण के बारे में, आगे की राह के बारे में। हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की बहनें कैसे आगे आकर अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकती हैं, न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य बल्कि रोजगार से भी जुड़कर अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, अपने सपनों के नए आयाम गढ़ सकती हैं और दूसरी महिलाओं के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित कर सकती हैं अपने आप को। ऐसी तमाम महिलाएं हमारे इस जो स्कीम चल रही है उन योजनाओं का तो लाभ लेती हैं, लेकिन ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगी, उनकी कहानी आपको जानने को मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी पहल के बारे में जिसका नाम है लखपति दीदी। कैसे हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें लखपति बन सकती हैं, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और अगर आप भी इच्छुक हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी या हमारी माताएं लखपति बने, तो इस कार्यक्रम को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। और इस कार्यक्रम के अंत में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जरूर से इस चीज के लिए राजी होंगे कि हमारी माताओं को, हमारी बहनों को इस पहल के लिए जोड़ा जाए, इस पहल में उनका योगदान दिया जाए। तो बिना देर किए हुए आप इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम की जो आन बान शान है और जो लखपति दीदी बनने का रास्ता आपको बताएंगे कि कैसे आप लखपति दीदी बन सकते हैं, किन तरीकों को अपनाकर आप इस रास्ते पर चल सकते हैं, उनसे आपको मिला देते हैं जो इस बारे में आपको जानकारी देंगे। आज हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर रमन भारद्वाज जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, एडमिन हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हैं, ऑफिसर इंचार्ज हैं केवीके गाजियाबाद से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक खास महिला हैं जो है मंजू सिंह, लखपति दीदी हैं, ग्रुप एक्टिविटी डेयरी से हैं, मुरादनगर गाजियाबाद से आप आती हैं। आपका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। चर्चा की शुरुआत करेंगे, कुछ बारीकियों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं इस विषय से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट पर। सरकार शुरू से ही महिला सशक्तिकरण के लिए काफी सराहनीय कदम उठाती आई है। लखपति दीदी भी इन्हीं पहलों में से एक है। इस पहल की शुरुआत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए की गई है। इसके जरिए महिलाओं की आमदनी को बढ़ाने में सहायता की जाती है, साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाता है। उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जाने की व्यवस्था भी है। इस पहल के तहत सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी से जोड़ना है। दरअसल लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की एक ऐसी सदस्य है जिसकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए या इससे अधिक या मासिक आय कम से कम 10,000 रुपए है और ये कम से कम 4 कृषि मौसमों या 4 व्यावसायिक चक्रों तक लगातार बनी रहती है।
लखपति दीदी की खास बात ये है कि इसमें महिलाओं को नया बिजनेस शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और दिशा निर्देश भी दिया जाता है। इस पहल के अंतर्गत महिलाएं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन की सुविधा का लाभ भी ले सकती हैं। अगर आप भी लखपति दीदी का लाभ लेना चाहती हैं, तो आपको कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इस पहल का लाभ लेने के लिए महिलाओं का किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ना जरूरी है। इसके बाद इसमें आवेदन करने के लिए महिलाओं को एक स्वयं सहायता ग्रुप के तहत व्यवसाय बिजनेस प्लान बनाना होगा। जैसे ही उनका बिजनेस प्लान बन जाएगा, तो उस प्लान को स्वयं सहायता ग्रुप द्वारा सरकार को भेजा जाएगा। सरकार के अधिकारी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। उसके बाद अगर एप्लीकेशन स्वीकार हो जाती है, तो उसका लाभ दिया जाएगा। सरकार की इस पहल का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है। रिपोर्ट में आपने देखा कुछ बारीकियां हैं, लेकिन इन बारीकियों को और बेहतर से समझेंगे और बारीक बातें जानेंगे और तमाम जानकारी जानेंगे अपने कुछ खास मेहमानों से। सबसे पहले रुक करते हैं मंजू जी का। मंजू जी हमारी लखपति दीदी हैं। मंजू जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको मंजू दीदी कोई ना कहकर ये कहे कि आप लखपति दीदी हैं, तो आपको कैसा लगता है और क्या विचार आपके हैं इस बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बोलती भी हैं महिलाएं लखपति दीदी। और मैंने सबसे पहले सर ट्रेनिंग ली थी लखपति दीदी की, करीब मुझे एक साल हो गया ट्रेनिंग लिए हुए। तो मैंने फिर लखपति दीदी बनने के बाद में मैंने सोचा लखपति दीदी तो मैं बन गई हूँ, लेकिन अब कुछ कार्य किया जाए। लखपति दीदी ऐसे ही थोड़ी ना बनना जाता है, कुछ कार्य भी तो होना चाहिए सर। तो मैंने जो है मैं सर से मिली, कृषि विज्ञान केंद्र से मिली, वहाँ पर मैं गई। कुछ महिलाओं ने मुझे सलाह दी कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ से सर कुछ बताएंगे आपको। वहाँ से मैंने जो है पशुपालन के बारे में सीखा। फिर मैंने गांव में आके अपनी जो मेरी महिलाएं हैं उनसे मैंने विचार किया कि भाई हम लखपति दीदी बनेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। ट्रेनिंग तो मैं ले आई हूँ, लेकिन कार्य तो करना पड़ेगा। तो हमने सर गाय ली हमने। तो सर आज हमारे पास 10 से 15 गाय हैं और हम दूध बेचते हैं सर। गांव में ही हमारा दूध चला जाता है, डेरियां हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पे हम सप्लाई करते हैं। और करीब करीब हमारा साल में 3 से 4 लाख रुपए का हमारा दूध बिक जाता है जी। तो उससे हम करीब करीब 2-1.5 लाख रुपए के करीब हमारा जो गाय का खान पीन सभी हम कर देते हैं, और उसमें हमें 2-2.5 लाख रुपये हमें इनकम हो जाती है सर जी। तो कुल मिलाकर आप लखपति दीदी बन चुकी हैं और आपने अपने कमाई का जरिया भी बता दिया कि किस तरीके से आप कमाई करती हैं और कितनी कमाई करती हैं। हालांकि ये बातें कोई बताता नहीं है कि मैं कितनी कमाई करता हूं, लेकिन आपने दिल खोलकर ये बातें बताई हमारी महिलाओं के लिए और हमारी महिलाओं को प्रेरणा मिले इसलिए भी आपने बातें बताई। बहुत शुक्रिया आपका ये बातें साझा करने के लिए। हम रुक करते हैं रमन बाधवा जी का। रमन जी, मैं आपके पास आऊँ और बात करूँ लखपति दीदी की जो पहल है इसके बारे में बात की जाए। हम देखते थे कि पहले भी तमाम योजनाएं चलती थीं, लेकिन लोग अक्सर इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे कि सरकारी योजना है, इतने कागज भरने पड़ते हैं, इतना वो होता है, तमाम तरह के चक्कर काटने पड़ते हैं, कौन जाए कौन नहीं जाए। क्या आपको लगता है कि लखपति दीदी जब से पहल शुरू की गई है और देखा जाए तो अब इस बार के बजट सत्र में लखपति दीदी बनाने का जो टारगेट है उसको भी बढ़ा दिया गया है, क्या कैसे देखते हैं आप, आपको क्या ख्याल है, क्या लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं या लोगों की सोच बदली है इन योजनाओं के लिए या फिर जो ये पहल की जाती है सरकार द्वारा? लखपति दीदी एक पहल इस तरह से रखी गई कि ये एक अच्छी बड़ी योजना का, जो काफ़ी लगभग 10 साल पहले प्रारंभ हुई थी, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, उसका ये एक आउटपुट के रूप में देखा गया कि हम कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करें और उसका रिजल्ट हो कि ना केवल उनकी, हमारी जो एसएजी दीदी हैं उनको अच्छे से प्रशिक्षण हो, वो समूह से जुड़ें, समूह से जुड़ने के बाद यदि उन्हें कुछ बैंक से लोन वगैरह की आवश्यकता है उसे वहाँ तक सीमित नहीं रखा गया। आपने कहा इसके आगे क्या सोचा, इसके आगे सोचा कि उन्हें विभिन्न प्रकार की आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ा जाए और जोड़ने के लिए उन्हें नाना प्रकार के प्रशिक्षण प्रदाय किए जाएं। अर्थात जैसे अभी आप जो हमारा दीदी बैठे हैं उन्होंने कहा कि हमने डेयरी का काम सीखा, तो डेयरी के लिए केवल
गाय भैंस दिला दिया और हमारा बैंक लोन से काम करा दिया वहाँ तक सीमित नहीं, उसमें पशुपालन कैसे करना है, किस तरह से उनका जो चारा प्रबंधन है उस तक की बात की गई, फिर उस दूध को कैसे बेचना है और कहाँ बेचना है जी? और बेचने के लिए उसके लिए एक अलग से विशेष प्रोजेक्ट भी कई जगहों पर प्रारंभ किए गए। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण है जहां बलिनी नाम की एक कंपनी भी तैयार की गई। ये एक कंपनी है, ऐसी लगभग 8-10 कंपनियां पूरे हिंदुस्तान में एक उदाहरण के रूप में NRLM के माध्यम से प्रारंभ की गई, जिनका टर्नओवर भी लगभग 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक है। तो ये एक एंड टू एंड सॉल्यूशन देने की जो बात की गई, ये इस योजना का, इस पहल के लिए मुख्य अंग था। फिर जहां तक हम कहते हैं कि टारगेट बढ़ाना, इस योजना को टारगेट ओरिएंटेड कम रख के इस योजना की एक कोशिश की गई कि ये टारगेट जमीन से आए, कितने लोग समूह से जुड़ना चाहते हैं और वो किस तरह से काम करना चाहते हैं, यानी कि योजना का क्रियान्वयन भी जमीन से जोड़ा गया है ना। तो जो टारगेट है वो अब शासन का नहीं रहा, इसकी अप्रोच थोड़ी सी नीचे, कहते ना जमीनी स्तर से या ग्रास रूट से टारगेट आए। तो ये एक इस पहल का अभिनव कोशिश रही। फिर जब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा कि हमें इसको और बढ़ाना चाहिए, यानी कि इसके नंबर्स बढ़ाने पे, उन्होंने फिर कहा कि बात आती है कि हम इसे 3 करोड़ तक लेके जाएं, तो वो टारगेट के रूप में नहीं लिया गया, वो भी इस तरह से लिया गया कि हम 10 करोड़ महिलाओं को समूह में जोड़ चुके हैं, अब आगे क्या, क्या उन्हें यहीं छोड़ दिया जाए कि उनको बैंक लिंकेज हमने बहुत अच्छा कर दिया वहीं समाप्त कर दे? नहीं, उन सबको अच्छी आयवर्धक गतिविधियां हों, गतिविधियों के साथ साथ उनको अन्य प्रकार की सुविधाएं, जैसे उनको फूड न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देना, उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, फिर उनका जो है, जो हम जिसे कहते हैं कि लिंग आदि के मतभेद हों, उन सब चीज़ों को ध्यान देना। तो जो आजीविका की भी वैल्यू चेन है उस पर भी पूरा ध्यान दिया गया, आयवर्धक और इधर स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों पे। और इस सब को करने के लिए अकेले NRLM या ग्रामीण विकास मंत्रालय तो मेहनत कर ही रहा है, उसने तो अपनी पहल की है, इसमें अन्य योजनाओं का भी काफ़ी सहयोग रहा, जिसे हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात करते हैं जी। तो कुछ खास बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें रमन जी ने हमारे साथ साझा की हैं, इस पर गौर करने वाली बातें कई सारी हैं, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, बात करें हम KVK की भूमिका की, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि KVK ने अभूतपूर्व योगदान दिया है कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए, किसानों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए। लेकिन जब हम बात लखपति दीदी की हम कर रहे हैं, तो लखपति दीदी को किस तरीके से KVK देखता है और KVK की क्या भूमिका है लखपति दीदी बनाने में? धन्यवाद पुलकित जी। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र एक जनपद स्तरीय संस्था है जो हमारे भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से वित्त पोषित है और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल या अन्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से संचालित होती है। देखिए, सबसे पहले हम, क्योंकि हमारे पास काफ़ी किसान भाई और महिलाएँ हमसे संपर्क करती हैं कि जी हमें इस प्रकार के कार्य करने हैं, ये हमें इस तरीके का आजीविका बनाना है, तो हम उनकी, जो भी हमारे किसान भाई हैं, महिलाएं हैं विशेषकर, तो उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि उनकी परिस्थिति कैसी है, उनका हम जो परिस्थितियों का मूल्यांकन करके सब जितने भी हमारी कृषक महिलाएं हैं या महिलाएं हैं, उनको हम अलग अलग समूह में विभक्त करते हैं कि कोई महिला हो सकती है कि वो हैंडीक्राफ्ट में विशेषता अनुसूचित रखती हो, या फिर कोई महिला हमारी डेयरी के प्रति आकर्षित हो सकती है, या हमारी कोई महिला इस प्रकार से कर सकती है कि वो एकीकृत खेती में या प्राकृतिक खेती में। तो हम जितने भी महत्वपूर्ण हमारे शीर्षक हैं उनके अनुसार हम विभक्त करते हैं, फिर उनको अलग अलग समूह के रूप में हम उनको कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए संचालित करते हैं। वो जो सामान्यतः 1 हफ्ते या कुछ प्रोग्राम जो है हमारे 21 दिन के भी होते हैं, तो उसके पश्चात हम उन्हें पूर्ण रूप से उसी शीर्षक पर पूरे सप्ताह उनको प्रशिक्षण देते हैं और सैद्धांतिक के साथ साथ प्रायोगिक तौर पर, क्योंकि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर
जो भी हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनके प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए भी हमने वहाँ मॉडल विकसित किए हुए हैं। तो हमारी जो लखपति दीदी पहल है भारत सरकार की, तो इसमें हम एक वर्ष में पिछले 4 समूह के रूप में हम 100 महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुके हैं और 100 महिलाओं में से लगभग जो है 70-80 महिलाएं हमारी आज एक लखपति या उससे ऊपर आय अर्जन कर रही हैं। और हम इसमें हमारी जो लखपति दीदी हैं, हमारी महिला समूह की सदस्य हैं या हमारी महिला कृषक हैं, उनको हम यही सलाह देते हैं कि जैसे अभी वाधवा जी ने बताया था कि जब तक कोई भी अवधारणा अप्रोच एकीकृत फॉर्म में नहीं होगी, जब तक वो कामयाब नहीं होगी। यही हम खेती के बारे में उनको बताते हैं कि वो कोई भी कार्य करें, एक तो विविधीकरण रूप में करें और एक एकीकृत खेती पद्धति के आयाम के रूप में करें, जिससे कि एक घटक का जो अवशेष पदार्थ होते हैं वो दूसरे घटक में उनके लिए निवेश का कार्य करें। तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का रिसाइकलिंग भी होगी जी। और उनका समुचित उपयोग होगा बिल्कुल। और इसमें हमारे कुछ मॉडल हमने अपने जो हमारी महिलाएं हैं उनके यहाँ भी विकसित किए हुए हैं, जैसे श्रीमती मंजू कश्यप है, वो दुहाई गाजियाबाद की है, उन्होंने सिंगाड़े और मत्स्य आधारित एकीकृत पौधी मॉडल विकसित किया है और अपने साथ साथ वो अन्य महिलाओं को भी इसमें जोड़ रही है। ऐसी हमारी शमशेर की कविता चौधरी हैं, वो गोबर और उसके उपले से संबंधित जो हमारे गाय के गोबर से उत्पाद है वो बना रही हैं और कैंटीन चला रही हैं। मंजू यादव जी हैं सुथारी गांव मुरादनगर की, ये डेयरी और दुग्ध व्यवसाय में कर रही हैं और अपने साथ काफ़ी महिलाओं को जोड़ के उन्हें भी सशक्त बना रही हैं। और हम इन जो हमारी जितने भी हमारी लखपति दीदियाँ हैं या हमारे जो कृषक महिलाएँ या कृषक उद्यमी हैं, उनको हम ये नहीं कि हमने उत्पादन करा दिया छोड़ दिया, हम कृषि विज्ञान केंद्र इस उसमें आशय में विश्वास रखता है कि उनका विपणन की भी उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि किस प्रकार से बेहतर ब्रांडिंग करें। हम उनकी ब्रांडिंग में भी हेल्प करते हैं कि अपने महिला समूह के आधार पर उसकी ब्रांडिंग कीजिए और उसकी पैकिंग आकर्षक पैकिंग हो और वो कंज्यूमर तक पहुँच सके। इनका हम किस प्रकार से हम उनको प्रोत्साहित करें, चूँकि हमारी ग्रामीण महिलाएं या लखपति दीदियां प्रारंभ में थोड़ा सा हिचकती हैं विपणन करने से और कम्पीट नहीं कर पाती, तो हम उनके उत्पादों को चाहे हमारा कोई सेमिनार हो या हमारी कृषि प्रदर्शनी हो, मेला हो, उनमें भी प्रदर्शित कर उनका उत्साहवर्धन करते हैं। जैसे कि अब अभी हमने तैयारी की है कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में 16 से 18 अक्टूबर 2024 को किसान मेला एवं किसान प्रदर्शनी लग रही है, तो उसमें भी हम जो भी हमारे लखपति दीदियां हैं उनके उत्पादों को वहाँ प्रदर्शित करेंगे, जिससे अन्य महिलाएं उनसे प्रेरित होकर उनको आत्मसात करें जी। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई और कुल मिलाकर आपकी बातों का निष्कर्ष निकाला जाए तो हम ये कहें कि जो महिलाएं या जो दर्शक हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए कुल मिलाकर संदेश यही है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कुछ कर गुजरने की या फिर आपके कुछ सपने हैं तो आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है लखपति दीदी पहल की ओर और उस पहल से जुड़ना है। बाकी सारे काम आपको केवीके और जो संस्थाएं से जुड़ी हुई हैं वो आपको कदम कदम पर आपको गाइड करेंगी और आपके सपनों को साकार करने में आपके मदद करेंगे। तमाम तरह के अधिकारी हैं, तमाम तरह के लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं जो इस तरह की महिलाओं की मदद करने के लिए अपने आप को यहाँ पर मौजूद रखते हैं और तमाम तरीके की मदद करते भी हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं और तमाम ऐसी संख्या है जिसमें महिलाएँ आगे आ चुकी हैं और लखपति बन चुकी हैं। तो कुल मिलाकर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लखपति दीदी बनना चाहती हैं तो इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिए। यहां वक्त हो गया इसके साथ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे, बने रहे, देखते रहे कार्यक्रम विचार विमर्श। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल, इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिल्पा जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं नहीं नहीं, उपाय है उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैसे अपनी बहनों को, अपनी माताओं को हम लखपति बनाएं। हम सबका सपना होता है कि जिंदगी में कुछ करें, गुजरें, कुछ नया हासिल करें, कुछ बड़ा हासिल करें। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी माताओं को, अपनी बहनों को हम लखपति बना सकते हैं। ये सिर्फ कह नहीं रहे हैं, जमीनी स्तर पर ये हो रहा है। बहुत सी महिलाएं हैं जो लखपति बन चुकी हैं और एक महिला हमारे साथ हैं जो इस समय स्टूडियो में मौजूद है, वो भी लखपति दीदी बन चुकी हैं। मंजू जी, मैं आपका फिर से रुख करता हूँ। अगर मैं बात करूँ पुराने समय की, जब आपको लखपति दीदी के बारे में नहीं पता था, तो आपका जीवन कैसा था, आपके रोजमर्रा के क्या आपके कार्यकाल होते थे? साथ ही जब आपको लखपति दीदी के बारे में पता लगा, उससे आप जुड़ी, आपने अपना व्यवसाय शुरू किया, और अब के जीवन में आपको क्या परिप्रेक्ष्य देखने को मिलता है, सामाजिक रूप से आपको कितना सम्मान मिलता है तब के समय में और अब के समय में? जब पहले हम कहीं नहीं जाते आते थे, बाहर भी नहीं जाते थे, घर कर लिया अपना काम जो भी था घर में, और बस क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों के स्कूल तक चले जाते थे, उसमें भी गांव वाले कहते थे अरे फलाने की बहू वहाँ पे गई हुई है, ऐसे चल रही है, वैसे चले। लेकिन जब से मेरे गांव में तीन महिला आई, उन्होंने मेरे यहाँ के मुझे देखा, मेरे से उन्होंने बात करी, मैं उनसे जुड़ी, उन्होंने, मैंने फिर समूह बनाए सर। समूह बनाने के बाद में मैंने 12 समूह अपने गाँव में बनाए, जिसमें मैं आज समूह सखी के पद पर भी काम करती हूँ, और उसमें मुझे सरकार से मानदेय भी मिलता है सर। और फिर मैंने जब महिलाओं को थोड़ा निकलना बाहर, बैंक भी मैं जाने लगी सर, फिर मेरे को ऐसे करते करते एक साल हो गया, फिर मुझे ये लखपति के बारे में मुझे एक दिन कॉल आई कि आप ट्रेनिंग लो। मैं सर गई संस्थान में, मैं ट्रेनिंग ली, मैंने 5 दिन की मेरी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद में मैंने गांव आके अपना जो ये कार्य डेयरी वाला जो मैंने शुरू किया, सर का भी मैंने सहयोग पूरा दिया सर ने मुझे, उसमें मुझे बैंक से भी लोन वगैरह मिला, और मैंने अपनी महिलाओं को भी पूरा अच्छे से समझाया, वे भी मेरे साथ में पूरा सहयोग करती हैं। कहीं भी हमें जाना होता है हम सब साथ में जाते हैं, कोई अब हमें गांव में कोई रोक टोक नहीं है। बैंक में भी हम सीधे जाते हैं, बैंक मैनेजर साहब से हम बात करते हैं, अब हमें कोई झिझक नहीं है। आज मैं यहाँ आई हूँ, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे दो बात मैं अपनी टीवी पर मैं बता सकूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था जीवन में। लेकिन मैं इस समूह से जुड़ के, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, और मैं चाहती हूँ आगे भी इन्हीं की सरकार आए, क्योंकि महिलाओं को कोई नहीं समझता था, कोई कुछ नहीं कर सोचता था, महिलाओं का क्या था कि चूल्हा चौका करें और ये घर में ही रहें। लेकिन अब क्या है, महिला बहुत ही अच्छे से जानती है अपना हक जी, और महिलाओं को हम बहुत ही, जो अभी हैं, कुछ हैं अभी, मैं अच्छे से नहीं कह सकती कि सब महिलाएं मेरे जैसी हैं, लेकिन अभी भी बहुत हैं। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि यदि हमारा ऐसे आप लोगों के साथ हमारा चलता रहा, तो महिला बहुत अच्छे से आगे काम भी करेंगी और बाहर भी निकलेंगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, और बहुत तारीफ़ करते हैं आपके जज्बे को कि आपने अपने आत्मसम्मान को आज इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि आप इतनी स्वाभिमान से अपनी बातों को रख पा रही हैं, और आपको सामाजिक रूप से तो यहाँ पर इज्जत मिलती है, प्लस आर्थिक रूप से भी आपने अपने आप को मजबूत किया है। मंजू जी, आपने बताया कि आप 12 समूह चलाती हैं और महिला समूह सखी के रूप में भी आप अपने आप को स्थापित कर चुकी हैं, उन समूह में कितनी महिलाएं हैं, और उन महिलाओं से जब आप बात करती हैं तो उन महिलाओं का क्या कहना होता है, क्या जो विचार आपके हैं वो विचार भी उन्हीं महिलाओं के हैं? सर, मैं जब समूह की मीटिंग लेती हूँ जी, मैं हफ्ते में वैसे एक मीटिंग लेती हूँ एक समूह की, तो उसमें महिला बहुत आदर सम्मान देती हैं, मैं भी उनका बहुत आदर करती हूँ, उन बातें करते हैं हम ये करेंगे, अभी हमें ये करना है, और हम जैसे बैठते हैं अच्छे से अपना पूरा, मेरे यहाँ समूह भी बन गया है, CLF भी बन गया है, ग्राम संगठन भी बन गया है, जिसमें हम बाहर भी खूब आते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम घर में ही। मेरा एक समूह है राधे राधे, वो मेरे यहाँ दिए बनाता है, अब दीपावली के टाइम बहुत काम करेगा, वो दिए बनाता है, उसका सब पूरा वो बाहर गाजियाबाद सर लेके जाते हैं, वो हमारे यहाँ डेयरी है, उसमें से गोबर लाती हैं महिलाएं, और उसका जो है सर बताते हैं कि इसको ऐसे बनाना है, और मेरी महिला एक राधे राधे समूह ये कार्य भी कर रहा है, और जिसमें मैं भी पूरा उनको समय देती हूँ, और सब महिला इकट्ठा होके बैठ के हम दिए बनाते हैं सब जी।
तो कुल मिलाकर आपने अपने व्यवसाय का विस्तार किया है और लगातार अभी आप रुकने वाली नहीं है, आगे भी आपके कई ऐसे सपने हैं जिसको आप पूरा करने में लगातार दिन रात एक करके तत्पर में लगी हुई हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में आप आई और तमाम बातें आप बता रही हैं, ये काफ़ी कहीं ना कहीं जो महिलाएं देख रही हैं इस कार्यक्रम को उनके लिए कहीं ना कहीं मनोबल उनके बढ़ाने के लिए ये सारी बातें काम करेंगे। रमन जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रमन जी, अगर हम बात करें, मैडम ने बताया कि इनको कॉल आई, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर महिलाएं या फिर कोई इस तरह के जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो फ़ोन कर कर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बार बार जिक्र हो रहा है समूह का, और आपने भी जिक्र किया SHG के बारे में, तो ये समूह क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, क्या इससे जुड़ा होना ज़रूरी है और किस प्रकार से लखपति दीदी बनने के लिए इस समूह का रोल है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जो सबसे पहला कार्य है ग्रामीण क्षेत्र में वो समूह बनाने का है, स्वयं सहायता समूह। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 20 तक महिलाएं मिलके स्व सहायता समूह बनाती हैं, उसका बकायदा एक प्रशिक्षण होता है, और जब वो प्रशिक्षण हो जाता है उन्हें कुछ 5 सूत्र हैं कि नियमित रूप से बैठक करें या फिर नियमित रूप से वो बचत करें, ऐसे करके 5 सूत्र बनाए गए हैं जो वो पालन करती हैं। और जब वो परिपक्व होती हैं, एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 से 3 माह में महिलाएं स्वयं सहायता समूह की संपूर्ण जानकारियां समझ जाती हैं। जैसे आपने मंजू दीदी से भी सुना, उन्होंने कहा कि मैं 10-12 समूह चलाती हूँ और मैं साप्ताहिक रूप से बैठक करती हूँ। तो समूह में जुड़ना अति आवश्यक है। समूह में जुड़ने के लिए जो हमारा एक सामाजिक एवं आर्थिक एक सर्वेक्षण हुआ था 2011 में, उसमें उनको उनका एक 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 वो बना हुआ है एक नियम, उस नियम के अंतर्गत महिलाएं जो आती हैं उस कैटेगरी में वो इस समूह से जुड़ सकती हैं। लेकिन भारत सरकार ने इसमें एक सुविधा और दी है, किसी वजह से कोई अगर उसमें छूट गया हो किसी कारण से, तो भी वो अपनी जो प्रकरण है वो गांव में रख सकते हैं और ग्राम सभा से उसका अनुमोदन करा के वो जुड़ सकते हैं। अर्थात ये किसी के लिए बाध्य नहीं रखा, उसे काफ़ी जो मैंने पहले कहा था कि ग्रास रूट से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं कि हाँ ये दीदी पहले अच्छी थी, हो सकता है अब गरीब हो गई, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है जी, है ना। तो वो हमें मालूम नहीं, कहीं बाढ़ आ गई उनका सब काफी नुकसान हो गया तो आपको पता नहीं है कि वो कल अमीर थे और या उस कैटेगरी में नहीं आ पाए और आज वो हैं। तो इन सब का काफी इस योजना में ध्यान रखा गया। तो समूह में जुड़ा होना तो सर्वप्रथम इसकी सबसे पहली एक कॉल है, शर्त है कि वो होना जरूरी है जी। अब है कि जब समूह में जुड़ गए तो फिर वो धीरे धीरे प्रशिक्षण करते हैं, 3 माह में परिपक्व हो गए, तो सरकार का नियम है कि उन्हें एक छोटी राशि जिसे हम सीड कैपिटल कहते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में उसे रिवॉल्विंग फंड के रूप में राशि प्रदाय की जाती है, जो अभी गत वर्ष से 20,000 से 30,000 रुपए तक शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जी। इसके अतिरिक्त जब वो और परिपक्व हो गए तो एक सामुदायिक निवेश राशि है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, जो लगभग 2.5 लाख रुपए तक प्रावधानित किया गया है और ज्यादातर राज्यों द्वारा इसे अपने बजट स्वरूप उसे रखा गया, कहीं 1.5 लाख रुपया तक देते हैं, कहीं 2 लाख देते हैं, कहीं 1 लाख भी देते हैं, तो वो राशि भी समूह को दी जाती है जी। और ये मैं आपको रुकना चाहूंगा, जो आप इस राशि का जिक्र कर रहे हैं, क्या जैसे आपने राशि का कॉलम बताया कि पहले जब 3 महीने की ट्रेनिंग होगी तो 15,000 से 20,000 उसके बाद इस राशि को बढ़ा जाता है, क्या ये राशि इस पर भी निर्धारित करती है कि आप किस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं या किस उत्पाद के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, ये मैं बताता हूँ, ये राशि जो उपलब्ध कराई जाती है, पहली राशि है कि उन्हें लेन देन सीख ली जाए, क्योंकि उनको पता नहीं है कुछ राशि, कुछ तो वो मीन्स माहवार अपने आप खुद से जमा करते हैं कि समूह में उन्होंने तय कर लिया कि 20 रुपया राशि हम प्रति माह जमा करेंगे हर SHG मेंबर, और रिमेनिंग जो बची हुई राशि है 20,000 से 30,000 जिस कैटेगरी में समूह आता होगा, क्योंकि जो पूर्ण SC समूह होता है उनको 30,000 तक दी जाती है, अन्यों को 20,000 ऐसा प्रावधान है, तो उस प्रावधान अनुरूप जो उनको राशि दी जाती है वो ये सोचा जाता है कि उनमें ये ताकत आए, ये विश्वास आए कि हम
जो हमारा पैसा है उसका प्रबंधन कैसे करेंगे। फिर जब वो एक अपनी योजना बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट प्लान, आजकल उसे आजीविका प्लान भी कहते हैं, उसके आधार पर जो CIF की राशि है वो उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं वो कोई गतिविधि कर सकते हैं। प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि जो CIF जो सामुदायिक निवेश राशि है वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जैसा अभी दीदी ने बोला था ना कि ग्राम संगठन है उसके ऊपर एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, उनको ग्रांट स्वरूप है, लेकिन वो नीचे जाने तक पूरी की पूरी राशि जो है लोन स्वरूप जाती है, ऋण के रूप में जाती है। तो आप ये देखो कि सरकार ने पहले से ही एक सोचा है कि आप जो राशि है उसका प्रबंधन अच्छे से कर सके। इसके बाद आता है बैंक लिंकेज की व्यवस्था। तो अब बैंक जो है वो बीच आते हैं और बैंक के लिए एक प्रकरण बनता है जो ऑनलाइन होता है, और बैंक 1 लाख से लेकर 2 लाख 3 लाख इसकी एक स्टेज बनी हुई है, 20 लाख तक बिना किसी मॉरेटोरियम के, बिना किसी इसके, तो वो राशि स्वयं सहायता समूहों को प्रदाय करते हैं, यानी कि उसकी कोई गारंटी नहीं है, सरकार उसकी गारंटी लेती है। तो ये एक पहल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका जो रिजल्ट है मात्र जो NPA है आज की डेट में वो मात्र 1.56% है। तो अब आप सोचिए कि महिलाओं द्वारा ये राशि किस तरह से समय से वापस कर दी जाती है और बैंक उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चाहते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से समझा जाए कि ये पूरी राशि जो है समूहों की है, उन SHG दीदियों की है, हमारा काम सिर्फ उसको सहयोगात्मक रूप में रहता है, हम केवल फैसिलिटेटर के रूप में सरकार यहाँ पर काम कर रही है। तो यही इस पूरे कार्यक्रम की ब्यूटी है, खूबसूरती है। जी, तो कुल मिलाकर आपके कदम कदम पर सरकार सहयोग करने के लिए राजी है और कर भी रही है, जैसे वाजवा जी ने आपको बताया कि किस तरीके से आपको कहाँ कदम कदम पर कितनी व्यवस्थाएं दी जाती हैं और कैसे इसका आप लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी का। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, अगर हम बात करें इस पहल की, इस पहल में तमाम तरह के ऐसे कार्य हैं जिस तरीके से अगर देखा जाए, जैसे मंजू जी हैं डेयरी उत्पाद से जुड़ी हुई हैं या फिर डेयरी लगा के काम कर रही हैं, बात करें पोषण की या बात करें पर्यटन की, जब हम क्लस्टर की बात करते हैं इसमें तो दो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, हस्तशिल्प और खाद्य सेवा, पोषण पर्यटन, इनको कैसे समझा जाए और इसमें अगर कोई महिला जुड़ना चाहती है, कोई पर्यटन से जुड़ना चाहता है तो इनके लिए आगे क्या कुछ विस्तार देखने को मिलता है। देखिए पुलकित जी, हमारा अगला जो टारगेट है, चूँकि कोई भी उत्पादन करना बहुत आसान कार्य है जी, लेकिन अगर हम उसको बाजार के अकॉर्डिंग हम नहीं जोड़ेंगे तो हमारी कोई भी उत्पादन उतना सफल नहीं होगा, उतनी उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा। तो हम इसको जो भी हमारे महिला उद्यमी हैं या महिला समूह की लखपति दीदियां हैं, उनके हम एक तो उत्पादों को थोड़ा विविधीकृत कर रहे हैं कि जैसे सपोज करो किसी महिला में 10 सदस्य हैं या कोई महिला 10 लोगों ने आपस में मिलकर बनाया है, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हर महिला सदस्य एक ही कार्य करें। जैसे हम छोटा सा उदाहरण देंगे आपको कि एक महिला समूह है और वो उसने FPO भी बनाया हुआ है और उसने फिर क्या किया कि मोटे अनाजों के उस पर विस्तार से कार्य शुरू किया। जैसे आप कह रहे हैं कि किस प्रकार से हम पोषण सुरक्षा को महिला समूह से जोड़ें या लखपति दीदी को जोड़ें, तो हमने क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जब से प्रारंभ हुआ है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार हम लोगों और सभी मशीनरी के माध्यम से कराया है, तो हमारे अंदर मोटे अनाजों के प्रति हमारे उपभोक्ता लेवल पर काफ़ी जो है उत्साहवर्धक इनके परिणाम आए हैं कि पहले व्यक्ति मोटे अनाजों के प्रति आकर्षित नहीं था, उनके खाने का अंग नहीं था। अगर आज हम 2 वर्ष बाद ये आकलन करें तो आज किसी न किसी रूप में प्रत्येक परिवार में मोटे अनाजों का समावेश अवश्य होने लगा है, चाहे वो मिश्रित आटे के रूप में हो, चाहे वो बिस्किट के रूप में हो। तो कहने का तात्पर्य है कि एक विविधता खासन पोषण सुरक्षा में बढ़ी है। तो हम महिलाओं सदस्यों को ये कहते हैं कि भी कोई बाजरा उत्पादित करे, कोई ज्वार उत्पादित करे, कोई चक्की से उसको पिसाई करे, चूँकि अगर सभी महिला एक कार्य करेंगी तो उतना सफल नहीं होगी। तो एक महिला उत्पादित करेगी, एक महिला उसकी ग्राइंडिंग करेगी, एक महिला उसको मिश्रित करेगी और अन्य सदस्य उसकी कोई पैकिंग करेगा,
कोई इसको ब्रांडिंग करेगा और कोई इसका विपणन करेगा, इस प्रकार से हम उनको पोषण सुरक्षा। रही बात आपकी, जैसे पुलकित जी आपने बताया कि इसको पर्यटन से जोड़ के ही हम तभी सफल हो सकते हैं, तो हमारे, अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो हमारे यहाँ दो मॉडल विकसित हुए हैं, और एक एक्वा टूरिज्म के तौर पे, वहाँ मत्स्य उत्पादन के साथ साथ पर्यटन भी होता है बिल्कुल, और उसके झील के बीच में ही उनको रेस्टोरेंट और बनाया गया, तो इसको PVR एक्वा के नाम से है और मत्स्य झील के नाम से फेमस है। दूसरा मॉडल है कि सिंघाड़ा और जो हमारे केला है, अमरूद है और सब्जी है और मछली है, उसका दुहाई में मॉडल विकसित किया गया है और उसमें उन्होंने नाव वगैरह की भी व्यवस्था की है, जिससे कि वहाँ जो भी उपभोक्ता है, क्योंकि आजकल देखिए वो उपभोक्ता भी सजग है जी, उपभोक्ता वही चीज़ ज़्यादा खरीदना पसंद करता है जिसके बारे में वो थोड़ा अच्छी नॉलेज रखे जी, जैसे कि जैविक उत्पाद है, क्योंकि ये दोनों मॉडल में हमारे जैविक उत्पादन किया जा रहा है, तो हमारा उपभोक्ता तभी उसको खरीदेगा जैविक, जब तक कि उसके बारे में जान ले। और जैसे आजकल जितना हमारा जलवायु संकट हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं, हमारा बिल्कुल जो है पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो उसमें कोई ना कोई सुकून की जगह ढूंढता है और वो ये भी चाहता है कि उस पिकनिक स्पॉट पर हमें जो खाद या कृषि पदार्थ है, कई प्रकार के पदार्थ मिले, न कि एकल पदार्थ जी, तो उसमें पर्यटन से जोड़ना तो हमें आने वाले समय में बहुत ही आवश्यक होगा, और हमने इसकी पहल स्टार्ट कर दी है और जिसमें हमारी लखपति दीदियों या महिला उद्यमियों का विशेष योगदान रहेगा जी। तो कुल मिलाकर तमाम ऐसे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, जिसके ज़रिए अगर आप लखपति दीदी की पहल के तहत इस पहल से जुड़ना चाहते हैं, या फिर अगर आप सोचते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे लिए मिल सकते हैं, तो KVK आपकी सेवा में तैयार बैठा है और तमाम तरह की गतिविधियों से आपको रूबरू कराने के लिए भी तैयार बैठा है। और जैसे मैं आप बार बार कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ इच्छा शक्ति जाहिर करनी है, ऐसे तमाम संस्थाएँ हैं जो आपके लिए, और इस लखपति दीदी पहल की ये मुहिम इसीलिए लाई गई है ताकि हमारी महिलाएं आगे आकर अपने सपनों को साकार कर सके, अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सके। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, लेकिन यहां वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में चार चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगेयर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करते हैं, वाधवा जी का रुख करते हैं। वाधवा जी, अब हम बात करते हैं कि कोई महिलाएं अगर इस कार्यक्रम से, इस पहल से जुड़ना चाहती हैं, तो सबसे पहले क्या दस्तावेजों की आवश्यकता है, क्या उम्र सीमा होनी चाहिए, कितने समय के लिए वो जुड़ सकती हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहें तो कहाँ संपर्क करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। लखपति दीदी पहल, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये एक आउटपुट है अपने NRLM कार्यक्रम का, और कोई भी स्व सहायता समूह की दीदी हैं वो इस पूरी पहल से जुड़ सकती हैं, बल्कि सरकार ने तो इसकी प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है, जिसमें हमारा जो स्टाफ है जिला एवं विकासखंड स्तर पे, वो इस तरह से दीदियों को ढूंढ रहा है, और हमने एक टर्म दिया है पोटेंशियल लखपति दीदी, ताकि जो दीदियां इस कार्य को ज़्यादा जल्दी से कर सकती हैं तो उनको उनके पास हमारा स्टाफ पहले पहुँच के उनको सहयोग दे रहा है, उनको प्रशिक्षण में सहयोग दे रहा है, या फिर उनको किसी प्रकार की आवश्यकता अगर आर्थिक रूप से हो, या फिर वो किसी अन्य कार्यक्रम से अर्थात सरकार की अन्य योजना से जुड़ना चाहें तो जिसे हम अभिसरण कहते हैं उसमें कर सकता है। अब हमारी योजना जो DNRLM की है उसमें तो आप जुड़ ही जाते हैं क्योंकि आप समूह के सदस्य हैं, लेकिन अन्य योजनाओं का फायदा कैसे लें, तो उसके लिए हमने विभिन्न विभागों से यहाँ भारत सरकार स्तर पे एक फॉर्मल MOU किए हैं। तो जैसे कृषि विभाग है, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, इन दोनों ने मिलके हस्ताक्षर किए हैं और कृषि विभाग ने सहमति दी है। मान लीजिए कि उनको कस्टम हायरिंग सेंटर है तो उसमें एक परसेंटेज निर्धारित है कि 10% कस्टम हायरिंग सेंटर
कम से कम स्वयं सहायता समूह की दीदी को दिए जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल, एक जिसे हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कहते हैं, ये भारत सरकार द्वारा अपनाई गई। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है, बिल्कुल, उसमें भी अब हाल ही में उसमें MOU किया गया है दोनों मंत्रालयों द्वारा। उसमें किस तरह से मछली पालन होगा, मछली पालन के लिए क्या वित्तीय सहायता हो सकती है, वो बजट एक तरह से जो मछली विभाग है, जो मत्स्य विभाग है, वो कहता है आपको जितना पैसा समूह दीदियों के लिए चाहिए हम खुले हैं, हमें इसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं। तो ऐसे ही ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो हमारा है, हम उसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कहते हैं, उन्होंने हमारे साथ हाल ही में एक ज्वाइंट, दोनों विभागों के सचिवों ने एक ज्वाइंट सिग्नेटरी करके एक पत्र भेजा है सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कि किस तरह से आप ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की योजनाओं को समूहों तक लेके जा सकते हैं। ऐसे ही टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ऐसे ही ONDC जैसे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म है, जेम का प्लेटफॉर्म है। तो सरकार की सभी योजनाएं आज इसको अलग अलग तरीकों से, अलग अलग स्वरूपों से सहयोग देने को तैयार है। और ये जानकारी जो अमला आजीविका मिशन का जिला या विकासखंड स्तर पे है, वो इन SHG दीदियों को उनकी बैठकों में अब बताने लगा है और वो इन सबको बता रहा है। इसके अलावा भारत सरकार स्तर पर विभिन्न वेबिनार आयोजन किए जा रहे हैं, उन वेबिनार्स के माध्यम से हम SHG दीदियों को सीधा जोड़ लेते हैं जी। हम उनको जो है, जैसे लिंक, हम ये कार्यक्रम देख रहे हैं और हम उसको, उनको लिंक भिजवा देते हैं कि वो भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके तो वो योजनाओं को सीधे देख सकते हैं। तो तकनीकी रूप से योजना को सीधा समूह सदस्य तक पहुंचाना, ये पहल भी भारत सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि हम कितनों तक योजना की कम से कम जानकारी तो पहुंचे। जानकारी पहुंचेगी तो फिर बाकी तो हमारी जो दीदियां हैं वो हरफन मौला हैं, उनको इस चीज का पूरा पूरा ज्ञान है कि वो क्या क्या कर सकती हैं और क्या ताकत है। सिर्फ उन्हें तो जोड़ना है इन योजनाओं से, इन अलग अलग वित्तीय संसाधनों से कि कैसे कर सके। एक और मैं बिंदु जोड़ बताना चाहूँगा कि इन सरकारी योजनाओं के अलावा विभिन्न प्राइवेट संस्थाएं भी आज भारत सरकार से जुड़ने के लिए आ रही है। जैसे अगर इनका उत्पाद बेचना है तो उत्पाद के लिए विभिन्न प्रकार के आज की डेट में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। इन सभी से लगभग भारत सरकार का एक MOU है और वो स्वयं से आगे आए हैं और उन्होंने एक डेडिकेटेड क्षेत्र अपने पोर्टल में दे दिया जहां हम स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद बेच सकते हैं। तो ये एक शुरुआत है कि मार्केटिंग के लिए, एक अच्छी मार्केटिंग के लिए भाई ऑप्शन तो दिए जाएं। बिल्कुल, अगर ऑप्शन ही नहीं होंगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे। और वो वहां पे देखते भी हैं दोनों तरह से कि भाई मेरी, अगर उन्होंने किसी प्रकार का, मान लीजिए हमारे साथ मंजू दीदी बैठी है, वो घी बेचना चाहती हैं वहाँ पे, ठीक है ना, तो उन्हें ये समझ में आएगा कि हमें घी का पैकिंग कैसे करना है। पैकिंग के लिए एक ऑप्शन हम अलग बता रहे हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन पैकिंग कैसा बिकेगा, क्या हमें 5 किलो का, 5 लीटर का घी बेचना है या 5 किलो का बेचना है, दोनों में फ़र्क है, या फिर हम छोटे पैक भी बनाएं, उसका जो प्राइस है वो कैसे करें। बाजार में हर उत्पाद का प्राइस, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, बड़े बड़े शब्द हैं, इन सब को उनके पास पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा काम है, आसान नहीं है। लेकिन इस लखपति पहल के तहत इन सब आयामों पे ध्यान दिया जा रहा है कि हम इसमें कैसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें। अभी कोशिश है कि जो प्राकृतिक खेती है, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम प्राकृतिक खेती में सहयोग करें। अब प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देना एक बात हो गया, लेकिन उसको एंड रिजल्ट तक लेके जाना, फिर उससे जो उत्पाद होगा उसका सही बाजार मिले, बाजार मिल गया तो उसका प्रॉपर प्राइस मिले, तो वो कैसे देखें। तो इन सब आयामों पे भारत सरकार कोशिश कर रही है कि हम कृषि मंत्रालय के साथ जोड़ के अपने SHG दीदियों और विकासखंड स्तर के जो हमारे कार्य करने वाले कर्मी हैं, साथी हैं, वो भी इसमें प्रशिक्षण लें, क्योंकि अगर उन्हें, उनमें कुछ कमी रह गई तो वो आगे वो प्रशिक्षण पहुंचने में एक गैप रह जाता है, तो उसे भी कैसे पूरा किया जाए। साथ साथ एक और कोशिश सरकार ने की है कि
छोटे छोटे जो हमारे जितने भी हमारे राज्य हैं वहाँ पर पहुँच के यहाँ मीन्स शासन स्तर से भारत सरकार स्तर से एक अधिकारियों का दल कंसल्टेंट्स का दल वहाँ जाके जिला स्तर और राज्य स्तर के कर्मचारियों और एसएचजी दीदियों से मिल रहा है और उन्हें जोन वाइज कोशिश कर रहे हैं प्रशिक्षण दें और उनसे भी फीडबैक लें कि कैसे हों। अभी दो ही दिन पहले एक आजीविका समागम उत्तर प्रदेश में ही आयोजित किया गया था बनारस में 3 दिवसीय जहां पे सभी राज्यों के विकासखंड स्तरीय जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कर्मचारी अधिकारियों को बुला के उनके साथ वार्ता की गई और उनको थीम वाइज ग्रुप बना के उनसे जाना गया कि इसे और सुदृढ़ कैसा किया जाए। यानी कि केवल छोड़ नहीं गया कि ये भारत सरकार द्वारा एक विजन सोचा गया और हम ही यहाँ से डिक्टेट टर्म्स कर रहे हैं, नहीं, नीचे से भी निरंतर फीडबैक लिया जा रहा है कि इस पहल को कैसे और अच्छा किया जाए, मजबूत किया जाए और कोई छूटे समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, इसको भी बहुत बेहतर तरीके से सरकार हमारी सोच कर काम कर रही है। और जिस तरीके से आपने विस्तार रूप से बताया कि किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ा जा सकता है और किस तरीके से हर क्षेत्र पर कदम कदम पर सरकार प्रतिबद्ध है लोगों की मदद करने के लिए, हमारी लखपति दीदी को मदद करने के लिए, ये भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और जैसा कि हर बार मैं कह रहा हूँ कि कदम कदम पर यहाँ पर आपको मदद करने के लिए सरकार खड़ी हुई है, लेकिन आपको बस इच्छा शक्ति पैदा करनी है अपने अंदर, कुछ कर गुजरने की, और आप आगे आइए, लखपति दीदी पहल का हिस्सा बनिए। आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों के अंदर जिस तरीके से मंजू जी ने अपने जीवन को बदला है, आप भी अपने जीवन को बदल सकती हैं। मंजू जी, हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, जाते जाते मैं आपसे कम शब्दों में जानना चाहूँगा कि जो महिलाएँ आपको देख रही हैं या जो दर्शक देख रहे हैं, वो अगर आपसे कुछ सीखना चाहें या आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगी तो आप क्या कहेंगी? बस सर, मैं तो यही चाहूँगी अपनी महिलाओं के लिए, जो भाई हैं, कोई भी मुझे सुन रहा है, जो भी मुझे देख रहा है, कि भाई मेरी तरह आप भी अच्छे से कदम बढ़ाओ मेरे साथ, और महिलाओं को भी प्रेरित करना, मैं यही चाहूँगी कि मेरी सुने, अपनी भी मुझे बताएं, कोई समस्या हो वो भी मुझे बताएं, बस मैं तो सर यही चाहूँगी। जी, तो मंजू सिंह ने भी एक लखपति दीदी बनने का जो सपना उसको साकार किया, और आज मंजू सिंह सिर्फ मंजू सिंह के नाम से नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से अपने क्षेत्र में जानी जाती हैं, तमाम महिलाओं को जोड़ चुकी हैं और उन महिलाओं को भी आगे बढ़ा रही हैं। तो कुल मिलाकर हम आपसे यही कहेंगे कि महिलाएं कदापि नहीं कमज़ोर, न बांधिए उनके हौसलों की डोर, और इस हौसलों को उड़ान दे रही है हमारी भारत सरकार की पहल लखपति दीदी। लखपति दीदी पहल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो तमाम जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाई गई है। उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हैं वो अपनी माताओं को, अपनी बहनों को और जो महिलाएं देख रही हैं वो भी इस योजना से या इस पहल से जुड़ेंगी और अपने सपनों को साकार करेंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोग स्टूडियो में आए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया, मंजू सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रमन बादबा जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक इन जानकारियों का सही समय पर सही तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। और जाते जाते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी या इस पहल से जुड़ी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सवालों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद मिलती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर से हाजिर होंगे आज ही के दिन इसी समय इसी चैनल पर नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक आप बने रहें डीडी किसान के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।